हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिंगटोन सॉन्ग रिंग वाला एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, एक तरह का ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम अपने फ़ोन के अलग अलग तरीके के रिंगटोन सेट कर सकते हैं। और तो एक और तरीका होता है जिससे हम अपने फ़ोन की गैलरी में फ़ोन में कोई सॉन्ग डाउनलोड करें या फिर उसको फिर रिंगटोन में कन्वर्ट करें। लेकिन यह एप्लीकेशन आपको बहुत कुछ आसानियाँ देगा जिससे आप आसानी से अपने फ़ोन के लिए एक अच्छा सा रिंगटोन सेट कर सकते हैं। अभी तक इस एप्लीकेशन को 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 4.4 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए जानते हैं कि इस एप्लीकेशन की मदद से हम कैसे अपने फ़ोन में रिंगटोन सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करता है। यहाँ पर कंटिन्यू टू ऐप पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेली पिक यहाँ पर आपको ऑलरेडी शो करता है या रिकमेंड करता है, आप इसको प्ले कर सकते हैं। और प्ले करके इसको आप सुन भी सकते हैं कैसा सॉन्ग है, ठीक है ना। तो डेली पिक वाला सॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश टॉप इंग्लिश सॉन्ग आता है जिसको आप अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं। मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग है, टिकटॉक ट्रेंड है। और यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर कंटेक्ट नोटिफिकेशन पॉप, ये अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर सॉन्ग मिल जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ढूंढ सकते हैं जिस टाइप का सॉन्ग चाहिए आपको, यानी रिंगटोन चाहिए, आप डेली पिक से भी ले सकते हैं। तो मैं अभी के लिए मोस्ट टिकटॉक ट्रेंड वाले पे जाता हूँ और टिकटॉक का जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है मैं उसको लगाता हूँ। ये देखिए ऐड आ गया, ऐड को कट करते हैं हम लोग यहाँ से। और यहाँ पर आ चुका है एक दो, मैं सुनाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा इंग्लिश वाली सॉन्ग है और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हिंदी टाइप में मिल जाए, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हिंदी टाइप में है कि नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है हिंदी टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बस वैसे ही ले लेता हूँ। यहाँ पर मोस्ट डाउनलोडेड में देखते हैं कि कौन कौन से सॉन्ग हैं। तो यहाँ पर मोस्ट डाउनलोडेड में कोई सा भी है उसको ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला है, ये मोस्ट डाउनलोडेड है, यानी सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है सॉन्ग के लिए। तो अभी के लिए अगर आप इसको रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या है, आपको यहाँ पर दे रहा है रिंगटोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। देन परमिशन को अलाउ करना है, अलाउ करना है ये भी परमिशन को, ओके। और अब हमारा जो रिंग है रिंगटोन है वो सेट हो चुका है। और ये जो परमिशन है वो एक ही बार अलाउ करना होता है। अब इसके बाद अगर आप दोबारा किसी रिंगटोन को सेट करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। आप इसी रिंगटोन को अलार्म चाहे तो अलार्म बना सकते हैं, नोटिफिकेशन टोन चाहिए तो आप उसको भी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके का, अगर कॉन्टैक्ट पे सेट करेंगे यानी घर के जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई फ़ोन करता है तो ये रिंगटोन बजे, तो आप ऐसे अलग अलग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऑल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जरा वॉलपेपर, ठीक है। अगर वॉलपेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत ही कमाल के वॉलपेपर मिल जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई वॉलपेपर अपने फ़ोन के लिए लगाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद बस आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा या फिर यहाँ पर जो गैलरी का आइकन दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वॉलपेपर सेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए हमारा वॉलपेपर भी सेट हो चुका है ये वाला। इसके अलावा और क्या दिया है यहाँ पर वो देख लेते हैं। यहाँ पर ऐड आ गया, ऐड को कट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा तो कॉल स्क्रीन दे रहा है, ठीक है ना। आप अपने फ़ोन का कॉल स्क्रीन भी सेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का जब भी कोई कॉल आए तो कुछ ऐसा शो करे, तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक कोई सा भी नॉर्मल सा ले लेता हूँ जब भी कोई कॉल आएगा। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला। अब जब भी मुझे कोई कॉल करेगा तो कुछ ऐसा वॉलपेपर शो करेगा। तो सेट कॉल स्क्रीन वॉलपेपर करने के लिए आपको तीन परमिशन देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पहला परमिशन देते हैं, ठीक है। दूसरा परमिशन देते हैं यहाँ पर, ओके। दूसरा परमिशन देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर अलाउ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा परमिशन। तीसरे परमिशन के लिए भी यहाँ पर जितने भी परमिशन ऑफ है इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद बैक हो जाएंगे। अब जो हमारा वॉलपेपर है वो जो हमारा कॉल स्क्रीन है वो सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है आपको। तो अभी दोस्तों यहाँ पर बस अप्लाइड हो चुका है ये वाला। अब ये आप जब भी हमें कोई कॉल आएगा तो कुछ ऐसा स्क्रीन शो करेगा, यहाँ पर नाम शो करेगा और नंबर शो करेगा। और अगर आपने उनका फ़ोटो सेट किया हो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो आपका फ़ोटो भी शो करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आप इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन के लिए रिंगटोन सेट कर सकते हैं,
दूसरा, आप अपने फ़ोन के लिए कमाल कमाल के वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए वॉलपेपर यहाँ पर ऐड होकर करते हैं। तीसरा है कॉल स्क्रीन भी सेट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन की मदद से सेट कर सकते हैं।